जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। यहाँ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो लोकसभा पटियाला व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महारानी परनीत कौर जी के हक में हल्का घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर ने दिन रात एक कर रखा है। इसी दौरान घनौर के वार्ड नंबर 15 में लक्की टेंट हाउस पर अमृत लाल हैप्पी गुलजार सिंह आजाद द्वारा रखी गई मीटिंग रैली का रूप धारण कर लिया है। लोगों ने विश्वास दिलाया कि महारानी परनीत कौर जी को भारी मतों से घनौर से जितवाकर भेजेंगे। इस मौके पर जसविंदर सिंह जिला उपप्रधान कांग्रेस पार्टी की सारी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। घनौर से रिपोर्टर तरुण शर्मा की रिपोर्ट। घनौर तो कितनी लीड जाएगी आज जी? चोन हो रही है महारानी परनीत कौर दी, बहुत वधिया कैंडिडेट ने पटियाले। जिन्हें भी कैंडिडेट ने, जैसे सुरजीत सिंह रखड़ा जी है, जैसे डॉक्टर गांधी जी है, जैसे झाड़ू वाले दी है मित्तल, सब तो वधिया कैंडिडेट महारानी परनीत कौर है। पहला तीन बारी जीत चुकी है। अज जी इन्होंने दो साल सरकार बनने तो बाद हल्के दे काम करे, खास करके घनौर जी ने बहुत पैसा दवाया, पीने वाले पानी के प्रोटेक्ट करे, सड़कों का दिया, कोई चीज़ पिंड ग्रांटा दीतियाँ, कोई कसर ही नहीं छी। जिन्ना पैसा पिछले 10 साल च नहीं घनौर से लगे, सिर्फ 2 साल च इन्होंने दवाता। अज मैं कह सकता कल घनौर चो घट्टो घट 20 से 25 हज़ार की लीड जानी, जो देहाती हलका जिमें राजपुरा हलका इतने 30 से 35 भी जाऊगी, पटियाला 50 से 60 जाऊगी। कहने का मतलब जिन्ना अज इन्ह का बोलबाला महारानी परनीत कौर का बड़ी लीड न जितोगी, पर जो जित के साढ़े हल्के जोड़े काम ने सूँ होर ताकत मिलेगी। एक मुख्यमंत्री घर का महारानी परनीत कौर एम पी होगी, मैं जो MLA हाँ, तकड़ा होकर जिहड़ियां समस्या साढ़े हल्के दियां जिहड़ियां असीं 2 साल च पूरियां नहीं कर सकते, ये 3 साल च एक एक काम, जिवें 15 नंबर वार्ड साडा शहर चा, इहदे साढ़े तो 2 साल च कोई काम नहीं होया। क्यों नहीं होया? ये राजपुरे दे नाल सी, जिहड़े पिंडां दा सी उह तां असीं करा गए, पर जिहड़ा शहर दे 15 नंबर वार्ड है कोई काम नहीं होया। हुण असीं अज मैं इत्थे आए सी वार्ड तो पहले मैं 2-3 चक्कर लाए हाँ, मैं देखिया भी इत्थे बहुत कुछ होने वाला। एक ना सारे बंदे बाहरों आके दसे हैं, उस इन्होंने वोटा भी घट बनाईया हुई हैं, तो कलोनिया बहुत वड्डियां, घट्टो घट 10-12 करोड़ रुपया ये 15 नंबर वार्ड से खर्चा होगा। तो मैं पूरा विश्वास दे रहा लोगों भी ये 2-3 साल जोड़े साढ़े बच्चे हैं, सीवर पवा के, पीने वाले पानी दियाँ पैपा पवा के, हर काम इनका गलियां बना के ये पूरा करा। ये महारानी परनीत कौर जी भी मिले से उन्होंने विश्वास दिता कि आप काम करना, मैं इन्हों पूरा विश्वास हूँ भी एक एक काम इन्हों का कराऊंगा। और महारानी परनीत कौर घट्टो घट लोग सभा पटियाला तो 1.5 लाख वोटों नाल जित हासिल करेगी। महारानी इस टाइम पटियाला सीट तो सीधा मुकाबला कि गिणते हो? असं गिणते हैं कुछ हल्के तो होगा रखड़ा साहब नाल, जिमें मेरा हल्का घनौर रखड़ा साहब नाल होगा, जेडे शहरी हल्के हैं वह होगा डॉक्टर गांधी नाल, 3-4 हल्क होगा डॉक्टर गांधी नाल, 5 हल्क होगा मेरे हिसाब न रखड़ा साहब नाल। आप पार्टी का कोई वजूद आप तो किसी नेड़े तेड़े नहीं है सर? एक छोटी गल हो पुछी सी, गांधी जी 5 साल राज किया उन्होंने तरह का अपने डिस्ट्रिक्ट पटियाला, हूँ जो वोटा लैन आ गए उन्हें एक नवी गल छेड़ी हुई है कि मैं नशे धुक्की के फीम की याद महाराणी जी ने असं विश्वास दवाते हाँ कि जिला कि जिला पटियाले तो असी महाराणी जी ने वो तो वोटा पा के लीड दवाएंगे, अजय जा के सब तो पहला उस वाहेगुरु की फतेह सांझी करांगा। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं यह विश्वास दवाना कि मैं पूरी चौहान कलोनी विच डोर टू डोर जा के पूरी कंपेन करके इस कलोनी चो वध तो वध वोटां महाराणी साहिबा दे हक विच पवावांगे, पतावांगे, ते महाराणी साहिबां नूं दिल्ली सेंटर दे विच मैंबर पार्लीमेंट बना के भेजांगे। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस के सारे वर्करां वल्लों मैं एक बेनती करदा कि अपने पूरे जिले पटियाले के नौजवानों नूं ते बजुर्गों नूं कि वध तो वध वोट 19 तरीक नूं वध तो वध वोटां पा के महाराणी परनीत कौर जी नूं कामयाब करन,
जो अपने पटियाले की तरक्की ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।